हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रेडियंट कंपटीशन क्लासेस। और आज हम लोग बात करते हैं भारत के राष्ट्रपति के बारे में, यानी कि जो भारत का राष्ट्रपति, ये बहुत ही चर्चा में है, इनका चुनाव होने वाला है। इसलिए आप ये जान लीजिए कि आखिर भारत का राष्ट्रपति, इसके संबंध में कौन कौन से तथ्य हैं जिन्हें हमको, जिसको हमें याद करना अति आवश्यक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं भारत का राष्ट्रपति। सबसे पहले हम लोग पॉइंट वाइज देख लेते हैं, जहाँ समझने वाली बात होगी हम लोग उसको समझेंगे भी। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 52, याद रखिएगा कौन सा अनुच्छेद है, अनुच्छेद 52 के अनुसार भारत का एक राष्ट्रपति होगा। ये पॉइंट अति महत्वपूर्ण है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा, ये संविधान के किस अनुच्छेद के तहत है, तो राष्ट्रपति अनुच्छेद 52 के तहत होती है। नेक्स्ट देखिएगा, भारत में संघीय कार्यपालिका का प्रधान राष्ट्रपति होता है, ये भी याद रख लीजिएगा। नेक्स्ट है अनुच्छेद 58 के अंतर्गत, अनुच्छेद 58 के अंतर्गत राष्ट्रपति पद के लिए निम्नलिखित योग्यताएं विहित की गई है, यानी कि कौन कौन सी योग्यताएं होना चाहिए एक राष्ट्रपति को। तो देखिए, सबसे पहला जो है वो है भावा भारत का नागरिक हो, यानी कि भारत का निवासी होना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात है वह 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, यानी कि कम से कम उसकी आयु 35 वर्ष हो गया हो। उसके बाद लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता रखता हो। ये तीन महत्वपूर्ण बातें हैं, ये योग्यता से संबंधित, वो भारत का नागरिक हो, कम से कम 35 वर्ष पूरी की हो और लोकसभा का सदस्य निर्वाचित रखने की योग्यता रखता हो। चलिए उसके बाद हम लोग देख लेते हैं राष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार का नाम कम से कम 50 मतदाताओं द्वारा प्रस्तावित और 50 मतदाताओं द्वारा अनुमोदित तो होना चाहिए। ये भी इम्पोर्टेंट है, ये परीक्षा में पूछा जाता है कि प्रस्तावकों की संख्या कितनी और अनुमोदकों की संख्या कितनी कितनी होनी चाहिए। तो राइट आंसर होगा 50-50 होनी चाहिए। और राष्ट्रपति पद के लिए जमानत की राशि 15,000 रुपये है, ये भी बात आप याद रखिएगा। अगला देखिएगा, किसी उम्मीदवार द्वारा कुल वैध मतों का 1/6 भाग मत प्राप्त न करने पर उसकी जमानत राशि जब्त हो जाती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये परीक्षा में बराबर पूछा जाता है कि कितना से कम वोट आने पर उसकी जमानत राशि जब्त हो जाती है। तो राइट आंसर होगा 1/6 भाग। अगला सवाल देखिएगा, अनुच्छेद 57 में कहा गया है कि कोई व्यक्ति राष्ट्रपति पद पर पुनः निर्वाचित होने के लिए योग्य है, ये कौन सा अनुच्छेद है, अनुच्छेद 57 में कहा गया है। अगला देखिएगा, राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल, राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल क्या होगा, इसमें देखिए अनुच्छेद 54 के अनुसार राष्ट्रपति का निर्वाचन ऐसे निर्वाचक मंडल द्वारा किया जाएगा जिसमें संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, संसद के दोनों सदन का मतलब लोकसभा एवं राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य हों, और राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, ये दोनों जो है निर्वाचक मंडल में शामिल होता है। फिर से समझ लीजिए, निर्वाचक मंडल में कौन कौन सा होगा, निर्वाचक मंडल में होगा संसद यानी लोकसभा राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य और राज्यों के विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, ये निर्वाचक मंडल होगा, ये लोग राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेंगे। उसके बाद राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति देखिएगा, राष्ट्रपति का चुनाव अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली द्वारा किया जाता है। उसके बाद अनुच्छेद 55 में राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति दी गई है। उसके बाद अनुच्छेद 55 के अनुसार राष्ट्रपति का निर्वाचन आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत प्रणाली द्वारा होगा। अब सबसे बड़ी बात है कि एकल संक्रमणीय मत प्रणाली सिद्धांत क्या है, तो देखिएगा इस सिद्धांत के अनुसार यदि प्रत्याशियों की संख्या 1 से अधिक है तो प्रत्येक मतदाता उतने मत वरीयता क्रम से देगा जितने प्रत्याशी हैं यहाँ कहा होगा। उसके बाद देखिएगा, अर्थात प्रत्येक मतदाता प्रत्येक प्रत्याशी को अपना मत वरीयता क्रम के अनुसार देता है। जैसे यदि कुल 3 प्रत्याशी राष्ट्रपति पद का चुनाव लड़ रहे हैं तो मतदाता तीनों प्रत्याशियों को प्रथम द्वितीय तथा तृतीय क्रम के अनुसार, तृतीय वरीयता क्रम के अनुसार अपना मत देगा। ये है आपका एकल संक्रमणीय मत प्रणाली सिद्धांत। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं
कि विधानसभा के सदस्यों की संख्या जो है वे विधानसभा सदस्य के मत मूल्य की गणना किस प्रकार की जाएगी। तो इसमें हम लोग देखते हैं कि पहले क्या करना पड़ेगा, एक फॉर्मूला है राज्य की कुल जनसंख्या बटा विधानसभा के कुल निर्वाचित सदस्यों की संख्या गुना 1000, जितना भी कैलकुलेट करके आएगा वो होगा विधानसभा सदस्यों के मत मूल्य। नेक्स्ट देखिएगा संसद के एक सदस्य का मत मूल्य कैसे निकालेंगे, इसके लिए क्या करेंगे, सभी राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों के मत का मूल्य मत मूल्य का योग, यानी कि जो मत मूल्य होगा उसका योग होगा बटा होगा संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्यों की संख्या, जो भी कैलकुलेशन करके आएगा वो आपके संसद के एक सदस्य का मत मूल्य निकलेगा। उसके बाद देखिएगा मतगणना यानी काउंटिंग, काउंटिंग कैसे की जाती है, तो राष्ट्रपति पद के चुनाव में मतगणना के लिए विशेष प्रक्रिया का प्रावधान किया गया है। राष्ट्रपति पद के लिए उसी व्यक्ति को सफल घोषित किया जाता है जो कुल वैध मतों के आधे से कम एक मत अधिक अर्थात 50% से अधिक मत प्राप्त करता है, इसे न्यूनतम कोटा भी कहा जाता है। उसके बाद देखिएगा राष्ट्रपति का कार्यकाल पद ग्रहण करने की तिथि से 5 वर्ष का होता है, ये आर्टिकल 56 के अनुसार, यानी आर्टिकल 56 में कहा गया है कि राष्ट्रपति का कार्यकाल पद ग्रहण की तिथि से 5 वर्ष का होगा। नेक्स्ट देखिएगा राष्ट्रपति चाहे तो 5 वर्ष के पूर्व कभी भी उपराष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र दे सकता है। नेक्स्ट देखिएगा संविधान का अतिक्रमण करने पर अनुच्छेद 61 में उपबंधित महाभियोग की प्रक्रिया द्वारा राष्ट्रपति को हटाया भी जा सकता है। उसके बाद यदि राष्ट्रपति का पद मृत्यु, त्यागपत्र, महाभियोग या किसी अन्य कारण से रिक्त हो जाता है तो उसको भरने के लिए चुनाव 6 माह के भीतर कराया जाएगा, ये बहुत बार परीक्षा में छप चुका है। नेक्स्ट देखिएगा अनुच्छेद 66 के अनुसार राष्ट्रपति अपना पद ग्रहण करने के पूर्व उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश अथवा उनके अनुपस्थिति में उच्चतम न्यायालय के वरिष्ठ न्यायाधीश के समक्ष शपथ ग्रहण करेगा। नेक्स्ट पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट, ये परीक्षा में बहुत बार छपा है कि वर्तमान में राष्ट्रपति का वेतन कितना है, तो वर्तमान में राष्ट्रपति का वेतन 5 लाख रुपये प्रति महीना है। और इससे संबंधित एक आर्टिकल 72 आप जरूर देख लीजिएगा 72/2, इसमें दिया गया है कि राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्ति प्राप्त है, तो राष्ट्रपति से संबंधित इतने सारे तथ्य को जरूर याद रख लीजिएगा। बस आज के वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।